नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से अपने घर में सेप्टिक टैंक का निर्माण करवा रहे हैं तो ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं सही तरीके से बनवाइए, क्योंकि ये 4 चैम्बर वाला सेप्टिक टैंक है। अगर दोस्तों इसको सही तरीके से बना दिया जाए, मैं यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, पूरी जीवन आपको इस तरीके के जो टंकी होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, उनको सफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते आपने उनको सही तरीके से बनवाया हो। अब इसमें कौन सी चीज़ मिस्टेक हो रही है और क्या चीज़ आपको अलग लग रहा है, इस पूरे वीडियो को देखिए। बस 2 से 3 मिनट का ही वीडियो होने वाला है, पूरी जानकारी आपको देता हूँ दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इस तरीके से जो 4 चैम्बर होते हैं वो 3 चैम्बर सेप्टिक टैंक के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि यहाँ भी हो रहा है, और चौथा जो चैम्बर होता है दोस्तों वो सोकपिट के लिए, यानी कि सोखता गड्ढा के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि जब आपका टैंक जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा, उनमें पानी बिल्कुल भर जाएगा, तो उसका जो पानी है वो दोस्तों सोकपिट यानी कि सोखते गड्ढे में आएगा, और इससे दोस्तों आपको फिर से रोड पे या फिर नाली पे दोस्तों आउटलेट देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। अब दोस्तों सेप्टिक टैंक किस तरीके से काम करता है ये समझ लीजिए, और सोकपिट का हम किस तरीके से मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो 2 चैम्बर है ना, ये दोनों चैम्बर आप देखेंगे बीच से कटा हुआ रहता है, ये कॉमन चैम्बर रहता है, ठीक है। आप इसमें अपने बाथरूम का जो भी दोस्तों आउटलेट है, इस वाले चैम्बर में गिराइए या फिर इस वाले चैम्बर में गिराइए, चूँकि नीचे से ये कटा हुआ है दोस्तों, दोनों में वाटर लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। एक चीज़ आपको गांठ बांध लेनी चाहिए दोस्तों, कि कभी भी आप सेप्टिक टैंक को जो है वो सॉलिड वेस्ट से नहीं भर सकते हैं। इसमें दोस्तों पानी ही वैसा चीज़ है जो कि सेप्टिक टैंक को ओवरफ्लो करवा देता है। सॉलिड वेस्ट कभी भी दोस्तों, 4-5 व्यक्ति के अगर फैमिली है दोस्तों, कभी भी सेप्टिक टैंक को आप नहीं भर सकते हैं, अगर सही तरीके से आपने पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी है, इसीलिए दोस्तों सोकपिट बनवाया जाता है। अब दोस्तों फंडा ये कहता है कि ये दोनों चैम्बर आज न कल दोस्तों पानी से भर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे ये वाला जो तीसरा चैम्बर है दोस्तों, ये यहाँ देखेंगे नीचे में कट नहीं लगा हुआ रहता, ठीक है। और ऐसे क्या होता है दोस्तों कि ऊपर में इस तरीके से टेपर वॉल बनाया जाता है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि पानी एक तरीके से बिल्कुल सॉलिड वेस्ट इन्हीं दोनों चैम्बर में रहता है, और पानी आपका तीसरे वाले चैम्बर में इस तरीके से आता है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों इस साइड में सोकपिट बना हुआ होना चाहिए, ताकि दोस्तों जो पानी है वो फिर हमारे सोकपिट में जाए, सोखता गड्ढा में जाए, और फिर हमें बाहर आउटलेट देने की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन इस वाले सेप्टिक टैंक में दोस्तों पहली बार मैं अपने लाइफ में देख रहा हूँ कि जो सोकपिट है वो डायरेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके, ये जो सोकपिट है दोस्तों, ये आपके किचन के लिए काम आ सकता है। किचन का डायरेक्ट जो आउटपुट है दोस्तों, इस वाले सोकपिट में आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका सेप्टिक टैंक है, एक्चुअल में पानी लास्ट वाले में स्टोर हो रहा है, तो फिर दोस्तों उसको अगर इसमें डालना चाहेंगे तो फिर अगेन आपको दोस्तों पाइप इस तरीके से कनेक्शन करना पड़ेगा। और लेकिन दोस्तों ये वाला जो सोकपिट है, अगर उस साइड में रहता तो क्या होता, इस वाले सेप्टिक टैंक का जो पानी ओवरफ्लो करता, ठीक है, तीसरा चैम्बर के बाद में दोस्तों डायरेक्ट सोकपिट में चल जाता, पानी सूखता रहता, और उसके बाद दोस्तों जो किचन का पानी आता वो भी क्या होता है दोस्तों, इसी सोकपिट में काम कर जाता। ऐसे में दोस्तों आप परेशानी से बचे हुए रहते, ठीक है। चूँकि दोस्तों सेप्टिक टैंक का काम है पानी और सॉलिड वेस्ट को स्टोर करना, और सोकपिट का काम है दोस्तों पानी को सोखना, बस इतना क्लियर सा फंडा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अरेंजमेंट में थोड़ी सी दोस्तों मिस्टेक हुई है, और ऐसे में आने वाले दिनों में ये काम कर सकता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, इसमें अलग से पाइप फिटिंग्स लगा करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन जो काम आसानी से हो सकता है दोस्तों, उसको कॉम्प्लेक्स करने के पीछे का जो कारण है वो काफ़ी गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में जब भी आप सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं तो हमेशा मिस्त्री को पहले ही क्लियर कर दीजिए दोस्तों कि आपको कितने चैम्बर का सेप्टिक टैंक चाहिए। इस वाले सोकपिट का आप सिर्फ और सिर्फ किचन में इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर बाथरूम में भी इस्तेमाल करेंगे, या फिर दोस्तों शौचालय के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।